तो जैसा कि आप बोर्ड पे देख रहे हैं कि हम लोग आज जो डिस्कस करने वाले हैं वो क्वांटम फिजिक्स बोलिए या क्वांटम मैकेनिक्स बोलिए, इसका सबसे इंपॉर्टेंट जो डेरिवेशन रहता है इसको हम लोग डिस्कस करने वाले हैं श्रोडिंगर इक्वेशन के बारे में। श्रोडिंगर इक्वेशन के बारे में हल्का सा ब्रीफ हम आपको दे दे रहे हैं। सबसे पहली बात तो आप ये समझ लीजिए कि क्वांटम फिजिक्स में या मैकेनिक्स में आपको श्रोडिंगर इक्वेशन उतना ही जरूरी है, उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना न्यूटन मैकेनिक्स में या न्यूटोनियन फिजिक्स में एक तरह से जो है न्यूटन का लॉ इंपॉर्टेंट रहता है। बिना उसके आप किसी भी तरह का लॉजिकल कंक्लूजन नहीं ले सकते हैं। ठीक उसी तरह से श्रोडिंगर इक्वेशन के बिना क्वांटम फिजिक्स बोलिए या क्वांटम मैकेनिक्स बोलिए, इसमें आप लॉजिकल एक तरह से डिसीजन नहीं ले सकते हैं बिना इसके जो है। ये नींव है एक तरह से, फाउंडेशन है एक तरह से जो है। दूसरा बड़ा इंटरेस्टिंग बात बोल सकते हैं कि हम लोग लिखे तो हैं डेरिवेशन ऑफ श्रोडिंगर इक्वेशन, लेकिन आप कई अच्छे लोगों का बुक यदि पढ़िएगा, जैसे आप रिचार्ड फेमेन का बुक पढ़िएगा, तो वो बोलते हैं एक तरह से कि ये वास्तव में डेरिवेशन ओरिजिनली रूप से नहीं है। ठीक है, श्रोडिंगर डेराइव वास्तव में ना करके उसको एनालॉजिकल रूप से जो है सामने रखें। इसका ये इतना फंडामेंटल है कि इसका डेरिवेशन पॉसिबल नहीं है। बहुत ही फंडामेंटल चीजों को हम लोग डेराइव नहीं करते, ठीक है, उसको आप एस्टैब्लिश कर सकते हैं एक्सपेरिमेंटल मेथड से या थ्योरेटिकली कुछ एनालॉजी लेकर के जो मिलान जुलान करके जो एक तरह से, जैसे न्यूटन का जो लॉ है सेकेंड लॉ, उसको आप डेराइव नहीं कर सकते। उससे आप बाकी चीज को डेराइव कर सकते हैं, उसको डेराइव नहीं कर सकते, उसको एक्सपेरिमेंटली रूप से वेरीफाई कर सकते हैं। उसी तरह से कहा जाता है कि श्रोडिंगर इक्वेशन श्रोडिंगर के दिमाग में कैसे आया वो श्रोडिंगर ही सिर्फ जानता है, बाकी और जो है आप एक तरह से इसका डिसीजन नहीं ले सकते हैं। और दूसरी बात है कि इसका बेसिक रूप से डेरिवेशन करना जो है वो संभव नहीं है। डेरिवेशन इसका ये एनालॉजिकल रूप से आप इसको डेराइव कर सकते हैं। अब बात है कि एग्जाम में तो आपको डेरिवेशन ही लिख करके देगा, तो एग्जाम का एक प्रचलन है उतना ज्यादा डीपर वो आपसे बात नहीं करता है। एनालॉजी के रूप से ही जो आप इसको डेराइव करते हैं या इसको आप इस्टेब्लिश करते हैं मैथमेटिकली रूप से, ये उसी को डेरिवेशन बोलते हैं। हमने आपको वो बात बोला जो वास्तविकता है, चाहे एच सी वर्मा की किताब पढ़ लीजिए क्वांटम फिजिक्स का, या आप रिचार्ड फेमेन का लेक्चर ऑन फिजिक्स पढ़ लीजिए, बात डिस्कस रहेगा। अब हम लोग चलते हैं श्रोडिंगर इक्वेशन के बारे में कि कैसे इसको डेराइव करेंगे, ये जानते हुए कि फंडामेंटल डेरिवेशन इसका पॉसिबल नहीं है। लेकिन एनालॉजी, जैसा वेव मैकेनिक्स में, एनालॉजी का मतलब है कि जैसा वेव मैकेनिक्स में होता था, जो क्लासिकल वेव मैकेनिक्स में जैसा होता था, उस तरह का कुछ एनालॉजी मिलान जुलान मैथमेटिकली रूप से हम लोग उसको कंसिडर करेंगे, और कुछ क्वांटम विचार जो है, क्वांटम फिजिक्स के जो सोच है वो इसमें इन्वॉल्व कर देंगे। ये दोनों का मिलान होकर के जो है श्रोडिंगर का जो इक्वेशन है, टाइम डिपेंडेंट और टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन, ये दोनों हम लोग डेराइव करेंगे। आप ये जानते हैं कि श्रोडिंगर का इक्वेशन दो फॉर्म में आता है, टाइम डिपेंडेंट और टाइम इंडिपेंडेंट। इस डेरिवेशन को अच्छा से समझने से पहले कुछ बेसिक हम उम्मीद करते हैं कि क्वांटम फिजिक्स के कॉन्सेप्ट आपको पते होंगे, और ये जो साई है वेव फंक्शन साई, ये भी आपको पता होना चाहिए ये क्या होते हैं, इसके क्या क्या प्रॉपर्टीज होते हैं वेव फंक्शन साई का। हम लोग अभी अब पूरा फोकस जो है क्वांटम फिजिक्स के इस श्रोडिंगर इक्वेशन पे चले जाएंगे, कैसे डिराइव किया हुआ, पहले टाइम डिपेंडेंट, उसके बाद हम लोग जो है टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन के बारे में। तो देखिए, हम लोग आपको पहले भी बोले थे कि हम लोग इसको जो है एनालॉजी से लेकर के चलेंगे, तो जिस तरह से वेव मैकेनिक्स में हम लोग इस तरह का इक्वेशन लेके चलते हैं, नॉर्मली कोई भी वेव को आप साइनसॉइडल, कोसाइनसॉइडल या एक्सपोनेंशियल फॉर्म में अभिव्यक्त कर सकते हैं, हम लोग भी इसको करेंगे एक तरह से। तो इसको आप कोई भी वेव को आप ऐसे करके अभिव्यक्त कर सकते हैं, ए का पावर आई ओमेगा टी माइनस के एक्स, किसी भी वेव को आप इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वेयर वेयर ओमेगा ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, इट इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ठीक है, के जो है वेव प्रोपेगेशन कॉन्स्टेंट है एक तरह से जो है वेव प्रोपेगेशन कॉन्स्टेंट। हम लोग उम्मीद करेंगे कि आप क्वांटम फिजिक्स का क्लास को सुन रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं, तो बेसिक जानकारियां पीछे का उम्मीद करेंगे कि आपके पास रहना चाहिए एटलीस्ट जो, क्योंकि ये अधिकतर ग्रेजुएशन में आपको रहते हैं, चाहे आप इंजीनियरिंग करते रहिए, चाहे आप जो है बेसिक साइंस से जो है बैचलर ऑफ साइंस बीएससी करते रहिए, तो आपको ये मिलेंगे। तो उम्मीद करेंगे ना कम से कम कि आपको फर्स्ट ईयर वगैरह का टॉपिक कम से कम, उससे पहले का जो प्री यूनिवर्सिटी के जो टॉपिक है आपके क्लियर रहने चाहिए एक तरह से जो, कम से कम फंडामेंटली रूप से, बहुत डीपर ना भी तो फंडामेंटली रूप से रहना चाहिए। तो ये इक्वेशन में ओमेगा के क्या होता है इसके बारे में जानकारी दी है हम आपको, इस ओमेगा को आप
टू पाई इंटू एफ फ्रीक्वेंसी लिख सकते हैं। मॉडर्न फिजिक्स में हम लोग फ्रीक्वेंसी को न्यू से दर्शाते हैं एक तरह से जो, ठीक है। और ये जो वेव प्रोपेगेशन कॉन्स्टेंट है इसको फंडामेंटली रूप से 2π बाई लैम्डा लिख सकते हैं। अब हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं कि बेसिक जो क्वांटम फिजिक्स होता है उसमें जानकारी दिया जाता है कि जो क्वांटम पार्टिकल होते हैं उसको उसके ड्यूअल नेचर होते हैं। ड्यूअल नेचर का मतलब क्वांटम पार्टिकल के पास जो है वेव भी कैरेक्टरिस्टिक होंगे और साथ में पार्टिकल कैरेक्टरिस्टिक तो रहेंगे और उसके पास वेव भी कैरेक्टरिस्टिक होंगे जो कि डी ब्रूगली मैटर वेव का जो कॉन्सेप्ट है उससे वो मिलता हुआ रहेगा। नेक्स्ट बातें जो कि अभी फिलहाल तो इस्तेमाल नहीं करेंगे, ये क्वांटम पार्टिकल हमेशा अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को फॉलो करता हुआ रहेगा एक तरह से, ठीक है। ये सब क्या होता है हम तो उम्मीद करेंगे ही कि आपको पता है। अब आपको कितना पता है ये सिर्फ आप ही को पता है एक तरह से जो। तो हम लोग जो है ये हम लोग का नॉर्मल मैकेनिक्स का इक्वेशन हुआ, इसी से हम लोग एनालॉजी लेंगे। एनालॉजी मतलब जैसा उसमें होता है वैसा कुछ इसमें भी होगा, ऐसा हम लोग कंसिडर करते हैं। वेव बिहेवियर है तो इसलिए, ठीक है, वेव बिहेवियर रहने की वजह से हम लोग इसको ऐसा कंसिडर करते हैं। अब जो है हम लोग जो काम हम लोग वाई से लिख रहे थे मैकेनिक्स में वो काम हम लोग साई से रिप्रेजेंट करेंगे। साई तो साई क्या होता है, ये वेव फंक्शन होते हैं। जो रोल क्लासिकल मैकेनिक्स में वाई का है वेव गाइड के रूप में जो है उसी तरह का रोल जो है साई का रहेगा क्वांटम फिजिक्स में एक तरह से जो है। तो साई जो है वेव फंक्शन है, इसके बारे में अलग से लेक्चर दिया हुआ है आपको जो है, ठीक है, और इसके बारे में आपको जानकारी भी रहना चाहिए। दिस इज टाइम डिपेंडेंट, तो हम लोग मान के चलते हैं कि एक्स में और टी में जो इसका वेरिएशन को कंसिडर कर रहे हैं, एक्स डायरेक्शन में काम कर ले रहे हैं, बाकी इसको हम लोग थ्री डायमेंशनली रूप में जनरलाइज आगे कर देंगे। पहले एक डायरेक्शन में काम करेंगे उसके बाद बाकी में भी जनरलाइज कर देंगे। ये पोजिशन और टाइम पे डिपेंडेंट है, तो ये जो है इसको हम लोग ए और ई का पावर आई और इसको ओमेगा टी माइनस के एक्स लिख सकते हैं, ठीक है। इसको हम लोग इस तरह से करके लिख सकते हैं, ये हम लोग एनालॉजी लिए एक तरह से जो। आगे चल करके हम लोग देखेंगे कि साई का कुछ क्वांटम जो एक तरह से रिलेवेंसी होता है, क्वांटम नेचर जो होता है, इसको प्रैक्टिकल रखने के लिए जो ये ई का पावर है उसको माइनस में लेना चाहिए, प्लस में नहीं माइनस में लेना चाहिए। तो आगे करके हम लोग करेंगे उसको जो, ठीक है। माइनस में लेने का मुख्य वजह है कि साई के पास एक प्रॉपर्टी होता है, साई जो वेव फंक्शन है साई शुड टेंड्स टू जीरो फॉर एक्स टेंड्स टू इंफिनिटी। यदि पोजीशन इंफिनिटी के पास लेके जा रहे हैं तो साई का वैल्यू जीरो के पास जाना स्टार्ट करेगा, क्योंकि साई जो है पार्टिकल के पाए जाने के संभावनाओं को भी दर्शाता है। मॉड साई स्क्वायर जब लीजिएगा तब इसके बारे में हम लोग मैक्स बॉर्न इंटरप्रिटेशन पढ़ेंगे, ठीक है। तो हम लोग आगे सब बात करेंगे, अभी मेन जो काम है वो कर लेंगे, ठीक है। बाद में इसको हम लोग तो माइनस करने वाले हैं, ये बात अभी फिलहाल में तय हुआ, लेकिन अभी फिलहाल इससे कर ले रहे हैं। तो इन्वॉल्व करेंगे हम लोग क्या, इन्वॉल्विंग क्वांटम कॉन्सेप्ट। तो क्वांटम कॉन्सेप्ट क्या लगाएंगे, हम लोग को मालूम है, क्या मालूम है हम लोग को जो, हम लोग को मालूम है कि जो ओमेगा रहता है, जो ये आपका एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, इसको आप 2π न्यू करके जो है लिख सकते हैं। अब ये न्यू में जो है यदि क्वांटम कॉन्सेप्ट को मिक्स करते हैं तो आपको मालूम है कि सिंस इज इक्वल टू एच न्यू में ये न्यू आता है, इज इक्वल टू एच न्यू, ये एनर्जी एसोसिएटेड विथ क्वांटम पार्टिकल, क्वांटाइज्ड एनर्जी होता है। तो यहां का न्यू हम लोग इसके साथ मिक्स कर देंगे, तो यहां से न्यू जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, न्यू जो हो जाएगा इसको आप लिखिएगा तो ये आपका ओमेगा, ठीक है, और ये आपका जो है ओमेगा और ये बटा 2π और ये आपका जो है क्या हो जाएगा, न्यू जो है ओमेगा बटा 2π हो गया, और इसके नीचे जो है आप इसको क्या रखिएगा, न्यू जो आपको आ गया है तो न्यू जो है ई बटा एच, पहले हम लोग इसको लिख ले रहे हैं, ठीक है। न्यू को जो है पहले हम लोग जो है ई बटा एच करके जो है इसको लिख ले रहे हैं, ठीक है। न्यू को हम लोग ई बटा एच लिख सकते हैं। साथ में जो है यदि आप चाहिएगा तो इसको ऐसे करके आप दे सकते थे, दिस इंप्लाइज ओमेगा इज इक्वल टू 2π और न्यू के जगह पे आप ई बटा एच लिख सकते हैं। यही बात उधर पहले लिखने की कोशिश में थे, इधर सिंप्लिसिटी के साथ आपको लिख दिया जा रहा है एक तरह से। तो यहां से आप जो है इसको ओमेगा को क्या लिख सकते हैं, यहां मिक्स कर दिए, देखिए क्वांटम कॉन्सेप्ट को इज इक्वल टू एच न्यू में से न्यू निकाल करके इसके साथ ओमेगा के साथ मिक्स कर दिए एंगुलर फ्रीक्वेंसी के साथ। तो ओमेगा जो है इसको आप ऐसे भी थोड़ा लिख सकते हैं ई, ठीक है, और एच बाई 2π, इस 2π को तो नीचे ला सकते हैं क्योंकि 2π नीचे लाएगा तो फिर 2 पर ही चला जाएगा, ये बन जाएगा। तो इस नोटेशन को हम लोग जो है आज के बाद से परमानेंट दिमाग पर रखेंगे
कि ये एच क्रॉस होता है, एच क्रॉस या एच कट भी इसको लोग बोलते हैं। एच बाई टू पाई को हम लोग शॉर्टली रूप से जो है एच क्रॉस या एच कट बोलेंगे, एच क्रॉस एच बाई टू पाई। बार बार ये आता है तो मैथमेटिक्स हो या फिजिक्स हो, बार बार कोई टर्म आता है तो उसको कोई सिंबॉल से हम लोग रिप्रेजेंट कर देते हैं। ये हम लोग का पुराना आदत है एक तरह से जो, ठीक है। तो इसको आप E by H cross लिख सकते हैं। इसको थोड़ा संभाल करके रख ले रहे हैं क्योंकि आगे हम लोग का जरूरत पड़ेगा किसमें, उस इक्वेशन में रखने का जो इक्वेशन लेके चले थे। कौन सा इक्वेशन? Psi is equal to A e का पावर I ब्रैकेट ओमेगा टी माइनस क्या kx, ठीक है। तो ये हम लोग का जो है इक्वेशन में पुट करने के लिए रहेगा जो। अब जो है हम लोग के बारे में बात करते हैं। नाउ K इज इक्वल टू क्या होता है? वेव प्रोपेगेशन कॉन्स्टेंट, इट मीन 2 पाई बाई लैमडा। अब हम लोग इसमें क्वांटम फिजिक्स के कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस कर देंगे। लैमडा जो है हम लोग एसोसिएट कर देंगे डी ब्रूगली वेवलेंथ से, ठीक है। तो फ्रॉम डी ब्रूगली वेवलेंथ, फ्रॉम डी ब्रूगली वेवलेंथ, फ्रॉम डी ब्रूगली वेवलेंथ, तो डी ब्रूगली वेवलेंथ को आप कैसे देते हैं? एक तरह से लैमडा इज इक्वल टू एच बाई पी से। हम लोग एक्स डायरेक्शन में काम कर रहे हैं तो मान करके चलेंगे कि एक्स डायरेक्शन में जो एसोसिएटेड वेवलेंथ होगा दैट शुड बी लैम्डा। तो यदि एक्स डायरेक्शन में मोमेंटम लेंगे तो उसको नोटेशन के रूप में हम लोग पी एक्स लिखते हैं। एक्स डायरेक्शन में मोमेंटम पी एक्स, एक्स कंपोनेंट ऑफ मोमेंटम, ठीक है। तो इसको हम लोग थोड़ा ऐसे करके लिखेंगे, एच और ये पी एक्स, मोमेंटम एसोसिएटेड विद पार्टिकल मूविंग अलॉन्ग एक्स डायरेक्शन, ठीक है। तो ये हम लोग का हो गया। तो लैमडा इज इक्वल टू हम लोग इसको लिखेंगे, तो यहां से लैमडा को हम लोग निकाल सकते हैं। यहां से आप देखिएगा तो px इज इक्वल टू h बाई लैमडा हो जाएगा, या आप ऐसे बोल सकते हैं कि 1 बटा लैमडा जो हो जाएगा वो px बटा h हो जाएगा। आप इस बात को समझ रहे हैं? ये 1 बटा लैमडा इसमें आपको दिखना चाहिए, तो दिखना चाहिए तो पुट कर देंगे हम लोग। तो सिंस k इज इक्वल टू 2 पाई और इन टू 1 बटा लैमडा, तो 1 बटा लैमडा इसको रख देंगे यहां पे, तो 2 पाई और ये पी एक्स और बटा एच, इसमें से भी एच बाई टू पाई जैसे पहले किए थे वैसे कर लेंगे। तो के इसको पी एक्स और इस बाई टू पाई को नीचे लेके चले आएंगे, तो दिखने लगा होगा आपको, क्या दिखने लगा होगा? एच क्रॉस दिखने लगा होगा आपको जो। तो पी एक्स तो ये आपका क्या हो गया? एच क्रॉस या एच कट बोलते हैं एच बाई टू पाई को जो। तो यहां से हम लोग के को भी निकाल लिए, के हम लोग का आ गया पी एक्स बाई एच क्रॉस, ठीक है। पहले से हम लोग का आया हुआ था, पहले से ऊपर वाले में E इज इक्वल टू, सॉरी ये आपका ओमेगा इज इक्वल टू E बाई एच क्रॉस। तो हम लोग ये दोनों इक्वेशन को जो क्वांटम कॉन्सेप्ट है E इज इक्वल टू एच न्यू और जो हम लोग का डी ब्रूगली मैटर वेव का कॉन्सेप्ट है, दोनों को हम लोग उस वेव वाले इक्वेशन में पुट कर देंगे। किस वेव वाले इक्वेशन में? जिसका एनालॉजी ले रहे हैं एक तरह से जो, ठीक है। एनालॉजी का मतलब मिला करके, ठीक है, जैसे उसमें हो रहा था वैसा इसमें भी होगा, ऐसे को एनालॉजी बोलते हैं, ठीक है। तो हम लोग जो है इसको लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं हम लोग जो है, सेंस शाई जो हम लोग लेके चले थे वेव फंक्शन, ये क्या ए का पावर आई ओमेगा टी माइनस के एक्स, इसके जगह पे अब आप ईमानदारी से रख दीजिए, ठीक है। ओमेगा, ओमेगा इज इक्वल टू व्हाट? ओमेगा इज इक्वल टू ई बाई एच क्रॉस, ठीक है, और इन टू टी और माइनस के, तो के के जगह पे पी एक्स और बटा एच क्रॉस और इन टू एक्स, ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। अब बताए थे कि इन क्वांटम मैकेनिक्स, ठीक है, इन क्वांटम मैकेनिक्स, इन क्वांटम मैकेनिक्स, ठीक है, ये जो ई का पावर है इसको माइनस में लेना, क्यों लेना है? क्योंकि साई का जो है प्रॉपर्टी आपका ध्यान रहना चाहिए, साई टेंड्स टू जीरो फॉर एक्स टेंड्स टू इंफिनिटी, फॉर दैट पर्पस इसको हम लोग ई का पावर को माइनस में कर लेंगे। तो यदि आप माइनस में इसको कर लीजिएगा, तो आप इसको माइनस में करिएगा वैलिडिटी रखने के लिए, तो साई को जो है इस बात का ध्यान देते हैं, इसका जो हम लोग क्वांटम रिलेवेंसी रखेंगे, ठीक है, क्वांटम रिलेवेंसी मिलता जुलता है। इसका मतलब ये नहीं ना है कि सारा का सारा चीज रख देंगे, आदमी बंदर से मिलता जुलता है, इसका मतलब ये नहीं कि बंदर का सारा कैरेक्टरिस्टिक आदमी के अंदर आप सोचिए और आदमी का सारा कैरेक्टरिस्टिक बंदर की तरह सोचिए, ऐसा गलत हो जाएगा। बंदर की तरह मिलता जुलता, चिंपैंजी की तरह मिलता जुलता, ये एनालॉजी है एक तरह से जो आदमी के साथ, ऐसा नहीं कि पूरा का पूरा प्रॉपर्टी उसके साथ इंट्रोड्यूस कर दीजिए आप जो, ठीक है। तो साई इज इक्वल टू जो है ये आपका रहेगा ए ई का पावर माइनस कर देंगे, तो माइनस आई और ये ई बाई एच क्रॉस और इंटू टी
और माइनस पी एक्स और बटा एच क्रॉस इंटू एक्स। ये आपको उम्मीद करते हैं कि समझ में आना गया। मान लीजिए क्लास में रहते समझ में नहीं आता तो दोबारा आप बोलते, बोलने के लिए जो दोबारा बोलने के लिए बोलते, क्योंकि क्लास में आपका कुछ उस तरह का रिकॉर्डिंग नहीं रहता है तो दोबारा हमको बोलना पड़ता है। यदि अभी आपको सपोज कर लीजिए समझने में कोई दिक्कत आ रहा है ठीक हो, तो दोबारा जो है आप हमको सुनने के लिए वीडियो को पीछे करिए एक तरह से, ठीक है, पीछे करके दोबारा तिबारा चौबारा जितनी बार होता है उतनी बार सुन सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग जो है इसको जब लिखेंगे तो ए का पावर क्या कर लेंगे, माइनस को इसके पास भेज दीजिए अंदर में, माइनस को भेज दीजिएगा तो आई और ये वाला पलट जाएगा एक तरह से, पी एक्स एच क्रॉस इंटू एक्स माइनस ई बाई एच क्रॉस और इंटू टी। ये इक्वेशन आपका जो है साई का हो जाएगा, एक्स और टी का फंक्शन है पोजीशन और टाइम का, क्योंकि टाइम डिपेंडेंसी लेकर चल रहे हैं इसलिए जो, तो साई को हम लोग तैयार कर लिए साई किस तरह से होगा एक तरह से, ठीक है। तो इसको आप एक नोट कर लीजिए क्योंकि मेन जो बातें हैं वो ये बातें आपको डिस्कस कर चुके एक तरह से, ठीक है। हम आपको एक तरह से इसको तेजी से रिपीट भी कर दे रहे हैं, इसमें क्या हुआ एक तरह से, इसमें जो हुआ आप तेजी से रिपीट कर सकते हैं। क्वांटम फिजिक्स डेरिवेशन हम लोग पढ़ रहे हैं, इसके बारे में जानकारी दे चुके थे। एनालॉजी से काम करेंगे तो हम लोग जो नॉर्मली किसी भी वेव को इस तरह से लिखते हैं तो इसमें क्वांटम कॉन्सेप्ट को हम लोग मिक्स कर देंगे। क्वांटम कॉन्सेप्ट एनर्जी का क्वांटाइजेशन इक्वल टू एच न्यू मिक्स कर देंगे और डी ब्रूगली मैटर वेव का कॉन्सेप्ट जो है पार्टिकल कैन बिहेव लाइक वेव इसको हम लोग मिक्स कर देंगे इसमें जो, तो मिक्स कर देंगे तो ये मिक्सिंग में इस तरह का रिलेशन आ जाएगा जो कि आपको बोर्ड पे रिपीटेशन में दिख रहा है एक तरह से, ठीक है। तो देख लीजिए तेजी से टेक्नोलॉजी के रहने की वजह से आप कुछ चीजों को प्लस में देख सकते हैं एक तरह से जो, ठीक है। हाँ ये जरूर है कि टेक्नोलॉजी के माध्यम से आप उतना नॉलेज को नहीं सीख सकते हैं जितना आप क्लासरूम में सीखते हैं एक तरह से, जो डायरेक्ट आपका इंटरेक्शन होता है जितना सीखते हैं उतना आप इसमें नहीं सीख सकते, क्योंकि बहुत सारी बातें क्लास में बोला जाता है इसको बताते वक्त जो अभी फिलहाल में बोलने से वीडियो बहुत लेंदी हो जाएगा और आप अपना कंसंट्रेशन खो दीजिएगा एक तरह से जो। तो ये आपका हो गया साई, तो साई के बारे में बात हो गया। अब इस साई को जो है हम लोग लेकर के आगे की ओर चलेंगे, तो आगे की ओर लेके चलेंगे तो हम आपको थोड़ा सा जो है मेहनत को बचाने के लिए हम थोड़ा सा इसको कर दिए हैं और फिर आगे हम करेंगे एक तरह से। तो फिजिबल जो क्वांटम वेव इक्वेशन जो हो गया वो इस तरह से आप इसको जो है करके दे सकते हैं एक तरह से जो, फिजिबल क्वांटम जो इक्वेशन हो गया उसको आप माइनस लेकर के चलते हैं तो ए का पावर माइनस आई बाई एच क्रॉस एक्स पी एक्स और माइनस ई टी करके जो लेके चलते हैं, ठीक है। तो ये जो आप इक्वेशन लेके चले तो फिजिबिलिटी देने के लिए माइनस दे रहे हैं, ये जो माइनस हम लोग ई का पावर में जो लगा रहे हैं, माइनस जो ई का पावर में जो लगा रहे हैं ये फिजिबिलिटी ऑफ द क्वांटम मैकेनिक्स या फिजिक्स को देने के लिए ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि बताए थे प्रॉपर्टी कि साई के पास एक कैरेक्टरिस्टिक रहना चाहिए, साई शुड वैनिश फॉर पोजीशन टेंडिंग टू इंफिनिटी। क्यों? क्योंकि पार्टिकल के पाए जाने का संभावना इंफिनिटी के पास न के बराबर होता है और साई डायरेक्ट तो नहीं लेकिन साई स्क्वायर जो है प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग पार्टिकल बताता है, पार्टिकल के पाए जाने का संभावना बताता है अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के रेस्ट्रिक्शंस के अनुसार, जिसके बारे में आगे बात करेंगे एक तरह से। तो हम लोग माइनस यदि ले लेते हैं ऊपर में ई का पावर माइनस, ई का पावर माइनस, तो ये आपका मेन इक्वेशन जो है चला गया, ये मेन इक्वेशन में आपका चला गया जिसके पास एक तरह से क्वांटाइजेशन का जितने भी लॉजिक होते हैं वो लगा दिया गया एक तरह से, ठीक है। अब हम लोग इसका टाइम डेरिवेटिव निकाल सकते हैं क्योंकि टाइम का ये फंक्शन है, हम लोग इसका पोजीशन डेरिवेटिव निकाल सकते हैं क्योंकि पोजीशन का भी ये फंक्शन है एक्स जो। तो हम लोग सबसे पहले जो है इसका क्या करेंगे, हम लोग इसका जो है टाइम डेरिवेटिव निकालते हैं, तो डो साई बाई डो टी कर देंगे। जब इसको डिफरेंशिएट करिएगा टाइम के रिस्पेक्ट में तो टाइम का फंक्शन यहां पे है, पार्शियल डिफरेंशिएशन कर रहे हैं जो कि आप फर्स्ट ईयर से पढ़ रहे होंगे कि जब टाइम के साथ हो रहा है तो टाइम को पहचानेगा, रिमेनिंग को कॉन्स्टेंट की तरह ट्रीट कर लेगा। तो डोसाई बाई डोटी, तो ये वाला अंदर में जाकर के डिफरेंशिएट होगा तो ए जैसा रहता है उतना रहेगा ही, ई का पावर एक कॉन्स्टेंट है तो बाहर आ गया माइनस आई बाई एच क्रॉस, और ये वाला कॉन्स्टेंट की तरह जो ट्रीट हो रहा है इसका डिफरेंशिएशन से मुलाकात होगा अकेले पूरा का पूरा कॉन्स्टेंट तो क्या हो जाएगा जीरो, और ये वाला जब होगा तो माइनस ई, ठीक है, माइनस ई के रूप में ये आपको बाहर आ जाए, ठीक है। तो ये माइनस ई के रूप में बाहर आ गया तो ये आप इस तरह से करके इसको दे सकते हैं एक तरह से, ठीक है। तो हम लोग जो एक तरह से यहाँ पे लिखने का जो है इस तरह का जो है लिख सकते हैं, हाँ ये बात को थोड़ा सा जो है यहाँ पे आप यहाँ पे एक बार हम लोग पीछे में माइनस किए हुए थे ध्यान में रखिए,
पीछे एक बार जस्ट इसके पीछे वाले स्लाइड में जो है माइनस पहले से किए थे, तो दोबारा माइनस यहाँ पे देने का जरूरत नहीं। तो जब आप इसको रखिएगा तो देखिए माइनस क्यों आया, क्योंकि ये वाला जो माइनस है ये इसके पास आ गया, ठीक है, और आई बाई एच क्रॉस ये कॉन्स्टेंट आ गया, और ई जो है इसके साथ डिफरेंशिएशन होगा टाइम का फंक्शन उसी के पास, तो ये आपको आ गया। तो आप देखिए आई बाई एच क्रॉस और ये पूरा का पूरा जो टर्म है, ये पूरा का पूरा टर्म तो फिर से साई ही आ गया, ये पूरा का पूरा टर्म जो है ये फिर से साई आ गया एक तरह से, ठीक। तो साई यदि आ गया ये पूरा का पूरा जो है, तो आप इसको माइनस आई बाई एच क्रॉस ई साई करके लिख सकते हैं। तो ई साई जो हो गया इसको आप क्या लिख सकते हैं, ई साई निकालिएगा तो एच क्रॉस को इधर भेज दीजिए, आई को इधर भेज दीजिए, तो माइनस एच क्रॉस आई डो साई बाई डोटी। इसको हम लोग संभाल के रख लेते हैं, इसको हम लोग संभाल के रख ले रहे हैं, और इसको हम लोग इक्वेशन नंबर क्या मान ले रहे हैं, इसको इक्वेशन नंबर इसको हम लोग 2 मान ले रहे हैं। तो 1 किसको मानेंगे, 1 पीछे वाला को मान ले रहे हैं, ये जो आपका इक्वेशन है, ठीक है, इस इक्वेशन को हम लोग जो है 1 मान ले रहे हैं। और आपको ये समझ में आना चाहिए कि ये वाला जो टर्म है, ठीक है, ये पी एक्स बाई एच क्रॉस, इसी को तो हम लोग जो है के रूप में लिख, सॉरी पी के रूप में जो है इसको आप लिख सकते हैं, इसको बाहर निकालिएगा, ठीक है, इस इक्वेशन को जो है आप पीछे वाले के हिसाब से लिख सकते हैं, इसको 1 मान ले रहे हैं, थोड़ा सा इसको यहां आगे बढ़ा दे रहे, साई जो पीछे वाला इक्वेशन है ऐसा ही ना लिखा हुआ है, एच क्रॉस को बाहर निकाल दे रहे हैं, आई एच क्रॉस को बाहर निकाल दे रहे, इसके पास भी एच क्रॉस, इसके पास भी एच क्रॉस, ये क्या हो जाएगा एक्स पी एक्स माइनस ई इंटू टी, यही इक्वेशन को 1 माने हुए, वही आगे हम बढ़ा के लेके चले, ठीक है। दोबारा उस वाले में गलती से माइनस लग गया था, क्योंकि इसको तो माइनस कर ही दिए, जो पहले लेके चले थे माइनस किए तभी ना रिवर्स हुआ, तो माइनस कर ही दिए, तो दोबारा माइनस नहीं करना है, वरना फिर तो पिछल के इक्वेशन में चले जाएगा। तो ये आपका हो गया। अब इसके बाद जो है हम लोग, ये बात समझ में आ रहा होगा कि इसको हम लोग इक्वेशन 2 मान ले रहे हैं। अब जो है हम लोग पोजीशन डिपेंडेंसी मानते हुए उसको डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू पोजीशन। तो डो साई बाई डो एक्स, तो एक्स वाले के साथ डिफरेंशिएशन लगेगा, काम करेगा, तो क्या हो जाएगा ए ई का पावर जस का तस उतरेगा, इसके अंदर जाकर डिफरेंशिएशन करेंगे तो आई बाई एच क्रॉस बाहर निकलेगा, और इस बार इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा तो पी एक्स बाहर निकलेगा और ये वाला जीरो हो जाएगा। तो इक्वेशन क्या हो जाएगा, इक्वेशन आई बाई एच क्रॉस बाहर निकला, पी एक्स बाहर निकला, ठीक है, और ये जस का तस ए ई का पावर उतर गया आपका जो है। तो इसमें आपको दिख रहा होगा कि ये पूरा का पूरा जो है साई लिख सकते हैं, लेकिन अभी उसका हम लोग दूसरा डेरिवेटिव पहले कर लेंगे उसके बाद लिखेंगे जो है। तो दूसरा डेरिवेटिव इसी का सेकेंड डेरिवेटिव, तो सेकेंड डेरिवेटिव तो फिर से आई बाहर निकलेगा एच क्रॉस, तो आई स्क्वायर और एच क्रॉस स्क्वायर हो जाएगा। तो आई स्क्वायर जब करिएगा तो आपको माइनस में करके जो है इसको लिख सकते हैं आई स्क्वायर को जो है, और ये आपका पी एक्स स्क्वायर और बाई एच क्रॉस स्क्वायर। तो बाई एच क्रॉस स्क्वायर आपका हो गया, तो एच क्रॉस स्क्वायर फिर से बाहर निकला था ना, इसलिए ऐसा हो गया ए ई का पावर आई बाई एच क्रॉस और एक्स पी एक्स माइनस ई टी एक तरह से जो है। तो ये आपका टर्म यहाँ पे माइनस छूट गया, क्योंकि माइनस के साथ जो है ना आई स्क्वायर माइनस हो गया, इसको आप यहाँ लिख सकते हैं सिंस आई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 1, तो वही माइनस यहाँ पाया। तो पी एक्स स्क्वायर बाई एच क्रॉस स्क्वायर ये लिख दिए, और ये पूरा का पूरा जो एक्सप्रेशन है, ये जो पूरा का पूरा एक्सप्रेशन है, दिस एक्सप्रेशन इज साई, इसी को साई को हम लोग वापस लिख दिए। तो हम लोग का यदि देखिए, तो हम लोग यदि लेकर के आते हैं इसको जो है पी एक्स स्क्वायर साई को सिर्फ निकालते हैं, इसको इधर फेंक दीजिए, तो माइनस एच क्रॉस स्क्वायर और डबल डेरिवेटिव ऑफ साई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, लेट दिस इक्वेशन बी इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। क्या किए हम लोग, हम लोग साई जो निकाले थे उसका टाइम डेरिवेटिव किए, साई जो निकाले थे उसका डबल डेरिवेटिव पोजीशन के साथ निकाल करके इक्वेशन नंबर 2 और 3 के रूप में इसको कंसिडर कर लिए, ठीक है, जो कि आपको यहाँ पे लिखा हुआ। इसके बाद हम आगे की ओर करते हैं एक तरह से, ठीक है। तो आप इसको तेजी से देख लीजिए जो आपको किया हुआ, ये थोड़ा फास्ट रखने के लिए हम ऐसा चीजों को जो किए जो है फिजिबल जो क्वांटम वेव फंक्शन है, यहाँ माइनस करना था तो पीछे कर चुके हैं, तो यहाँ पे लिखने का जरूरत नहीं था, दोबारा पीछे वाले में माइनस किए थे ना, दोबारा यहाँ लिखने का जरूरत नहीं था, ठीक है। उसके बाद हम लोग टाइम डेरिवेटिव किए और ई साई निकाल लिए, उसके बाद हम लोग जो है पोजीशन डेरिवेटिव, डबल डेरिवेटिव, और वहां से हम लोग मोमेंटम वाला टर्म को बाहर निकाल लिए। अब जो है किसी भी क्वांटम पार्टिकल के पास, क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ रहे हैं, तो किसी भी पार्टिकल के पास जो है उसके पास जो एनर्जी होगा, दैट एनर्जी विल बी काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। मोशन के वजह से काइनेटिक एनर्जी होगा, कॉन्फिगरेशन या किसी और तरह का उस पर कंडीशन लगा हुआ है तो पोटेंशियल एनर्जी होंगे एक तरह से। तो दो तरह के एनर्जी होंगे पार्टिकल के पास, मैकेनिकली रूप से देखा जाए तो काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा, और पोटेंशियल एनर्जी, स्थैतिक ऊर्जा जो है, ठीक है। तो क्वांटम पार्टिकल है तो इसके पास जो है मानते हैं कि दो एनर्जी, लेट
द क्वांटम पार्टिकल, क्वांटम पार्टिकल हैज एनर्जी ई, टोटल एनर्जी जो है ई, तो ई इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी के रूप में दीजिए, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी के रूप में, साथ में जो है आप पोटेंशियल एनर्जी के रूप में, तो काइनेटिक एनर्जी को आप हाफ एमबी स्क्वायर लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना, और पोटेंशियल एनर्जी को हम लोग क्वांटम फिजिक्स में वी से दिखाते हैं, ना कि यू से, वी से दिखाते हैं पोटेंशियल एनर्जी को, ठीक है, यू से क्लासिकल मैकेनिक्स में दिखाने की कोशिश करते हैं, हालांकि एडवांस क्लासिकल मैकेनिक्स में जो है हम लोग वहां भी वी से ही डिनोट करेंगे, 11, 12 में लोग जो है यू से डिनोट करते हैं, अब हम लोग जो है वी से डिनोट करेंगे, ठीक है, तो हाफ एमबी स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी को मोमेंटम के टर्म में पीएक्स स्क्वायर बटा 2m करके भी लिख सकते हैं प्लस, तो ये एनर्जी को आप काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के टर्म में लिख सकते हैं, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड दोनों साइड हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स, थोड़ा बोथ साइड्स बाय साइड, साई से हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों तरफ से, साई से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिल जाएगा हम लोग का, ई साई इज इक्वल टू पी एक्स स्क्वायर साई डिवाइडेड ये स्क्वायर लिखा हुआ साई 2m और प्लस ये आपका वी साई हो जाएगा, समझ में आया, साई से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिए, ई साई आप देखिए पीछे का इक्वेशन निकाला हुआ, ई साई जो पीछे दो नंबर में निकाला हुआ और पी एक्स स्क्वायर साई भी तीन नंबर में निकाला हुआ, उसको हम लोग यहां पे इस्तेमाल कर लें, पुट कर देंगे एक तरह से, ठीक है, पुट कर देंगे तो देखिए आपको जो है निकला हुआ पी एक्स स्क्वायर साई, ठीक है, पी एक्स स्क्वायर साई और ई साई भी आपका निकला, ई साई क्या है माइनस एच क्रॉस आई डो साई बाई डो टी और पी एक्स स्क्वायर साई, तो हम लोग इसको दूसरा स्लाइड ले ले रहे हैं ताकि बार बार इसको आगे पीछे हमको करने का जरूरत नहीं पड़ेगा एक तरह से, ठीक है, तो हम लोग जो आगे की ओर लेकर के चलते हैं, तो आगे की ओर लेके चल रहे हैं, तो हम लोग देखेंगे कि हम लोग का क्या लिखा हुआ, एक तरह से हम लोग का जो है ई साई इक्वल टू माइनस एच क्रॉस आई डो साई बाई डो टी, तो आपका लिखा हुआ है सिंस ई साई इज इक्वल टू माइनस एच क्रॉस आई डो साई बाई डो टी फ्रॉम टू, इक्वेशन नंबर टू आपके पास था, ठीक है, उसके बाद आप पीछे देखिए पी एक्स स्क्वायर साई भी लेकर के रखे, तो पी एक्स स्क्वायर साई क्या आया हुआ, पी एक्स स्क्वायर साई देखिए पी एक्स स्क्वायर साई माइनस एच क्रॉस स्क्वायर डबल डेरिवेटिव साई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, पी एक्स स्क्वायर साई थोड़ा ये भी हड़बड़ा गया, पी एक्स स्क्वायर साई इज इक्वल टू माइनस एच क्रॉस स्क्वायर डबल डेरिवेटिव ऑफ साई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स फ्रॉम व्हाट, फ्रॉम इक्वेशन नंबर थ्री, दिस इज फ्रॉम इक्वेशन नंबर थ्री, ठीक है, तो पी एक्स स्क्वायर साई भी हम लोग निकाल लिए, तो ई में हम लोग पुट कर देंगे जो उधर वाला इक्वेशन लाए हुए, जो ये इक्वेशन लाए हुए थे, ठीक है, इस वाले इक्वेशन में सॉरी, ठीक है, ये वाला जो इक्वेशन हम लोग का है इसमें हम लोग पुट कर देंगे इस वाले इक्वेशन में, ई साई की जगह पे और पी एक्स स्क्वायर साई की जगह, ठीक है, तो यूजिंग इन इक्वेशन एनर्जी इक्वेशन ई साई इज इक्वल टू पी एक्स स्क्वायर साई कैसे आ रहा है ये सब दिख रहा होगा आपको प्लस पी, तो हम लोग ई साई की जगह पर रख देंगे माइनस एच क्रॉस आई, ई साई की जगह पर रख देंगे माइनस एच क्रॉस आई डो साई बाई डो टी पीछे वाले से, ठीक है, पी एक्स स्क्वायर साई दिख रहा है, पी एक्स स्क्वायर साई इस वन बाई टू एम को पहले अलग कर लीजिए और पी एक्स स्क्वायर साई की जगह पे माइनस एच क्रॉस स्क्वायर और डबल डेरिवेटिव ऑफ साई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना, ठीक है, क्लास में रहते तो वही हम आपसे हाँ बोलवाते, ठीक है, अब सही से बोल रहे होते हैं तब भी पहचान में आता है कि समझ के बोल रहे हैं, अब कुछ लोग जो नहीं समझ के बोलते हैं तब भी पहचान में आता है, तो डांट फटकार थोड़ा सा मिलता है, मजाक उजाक उड़ता है उसका जो, प्लस या इस जगह पे थोड़ा साउंड का प्रॉब्लम आ गया था इसलिए हम इसको जो है दोबारा इसमें साउंड को फिलअप कर दे रहे हैं क्योंकि इस जगह पे मेन काम करते समय साउंड का प्रॉब्लम आ गया था, आप देख सकते हैं बीच में साउंड जो है गायब है इसमें जो, तो देखिए इसमें कुछ किया हुआ नहीं है, उधर आप देख रहे होंगे कि साई जो छूट गया था उसको साई को मल्टीप्लाई कर दिया गया और वापस जो है पुट करने के बाद ई साई का वैल्यू और पी एक्स स्क्वायर साई का वैल्यू को हम लोग पुट कर रहे हैं एक तरह से जो, ठीक है, तो इसको पुट करने के बाद आप देख सकते हैं लिख सकते हैं माइनस एच क्रॉस स्क्वायर बाई टू एम,
ठीक है, डबल डेरिवेटिव ऑफ साई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, जो लेफ्ट जो राइट हैंड साइड में उसको लेफ्ट हैंड साइड में लेके चले आए प्लस वी साई, और जो लेफ्ट हैंड साइड में है माइनस एच क्रॉस आई बाई डो साई बाई डो टी उसको हम लोग राइट साइड में लेकर के चले गए एक तरह से जो, ठीक है। दोनों तरफ आप मल्टीप्लाई कर दीजिए ऊपर नीचे, सॉरी दोनों तरफ मतलब ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए आई से, वही बोला जा रहा है। हालांकि वहां पे शाइनिंग है थोड़ा, इस बात का ध्यान नहीं दिया गया वीडियो रिकॉर्ड करते समय, शाइनिंग है थोड़ा चमक रहा होगा, लेकिन ऊपर तो लिखे हुए देखें, तो आई से ऊपर न्यूमरेटर डेरिवेटिव मल्टीप्लाई करिएगा तो आई स्क्वायर माइनस को प्लस कर देगा और ऊपर में आई से मल्टीप्लाई हो गया आई एच क्रॉस जो है, तो इक्वेशन जो आपका हो गया एच क्रॉस स्क्वायर बाई टू एम, और उसके बाद डबल डेरिवेटिव ऑफ साई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स लिख सकते हैं आप उसको, जो जो भी लिखा जा रहा है एक तरह से। ये हम दोबारा वीडियो को एक तरह से उस पर साउंड को ऊपर से चढ़ाए एक तरह से जो, ठीक है। तो ये आई एच क्रॉस डो साई बाई डो टी आपका लिखा गया एक तरह से जो, क्लियर है यहां तक आपको जो। तो ये हम लोग श्रोडिंगर इक्वेशन लिखा हुआ है, टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन, वन ऑफ द फेमस इक्वेशन, ठीक है, जो क्वांटम फिजिक्स में रहते हैं, क्वांटम मैकेनिक्स, जिसके लिए हम लोग अभी वर्कआउट कर रहे थे, टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन, ये हम लोग ऑप्टेन कर लिए एक तरह से जो। और ये वन डायमेंशन में, इस बात को ध्यान रखते हैं कि ये वन डायमेंशन में, थ्री डायमेंशन में हम लोग उसी तरह से लिख सकते हैं। अब उसके बाद मेन साउंड आपका चला आएगा, ठीक है, कुछ देर तक हम साउंड जो है बिना बैटरी मतलब एक तरह से जो डिस्चार्ज हो गया था, ध्यान उसके बाद गया, तो हम थोड़ा देर के बाद फिर जो है तुरंत सही कर लिए इसको जो, दूसरे माइक को लगा लिए तुरंत में जो, तो यहीं के आसपास में जो साउंड फिर वापस हमारा ध्यान चला गया था, हम देखे कि बैटरी जो है डिस्चार्ज हो चुका है, तो यही थ्री डायमेंशन में लिख रहे, तो जो वन डायमेंशन में लिखा हुआ था, तो एक्स का टर्म साउंड जो है आपका हट गया था, तो पता नहीं चला कि कितना कहां पे साउंड रुक गया है, तो समीकरण तो समझ में आ रहा होगा, इक्वेशन समझ में आ रहा होगा, कहीं पे भी साउंड हल्का सा मिस कर गया होगा कुछ देर के लिए, तो आप जो है इक्वेशन समझते हुए बात कर सकते, जरूरी नहीं कि हम बोल रहे होंगे तो उसी को। तो ये तीन डायमेंशन में ये बोल रहे थे, देखिए इधर क्या रिपीट कर रहे थे, जैसे ये आपका श्रोडिंगर इक्वेशन आ गया, टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन, उसी तरह से जो है आप वन डायमेंशन में जो लिखे थे उसको थ्री डायमेंशन में लिख सकते हैं, माइनस एच क्रॉस स्क्वायर बाई टू एम, और इसको डबल डेरिवेटिव ऑफ साई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स प्लस डबल डेरिवेटिव ऑफ साई विथ रिस्पेक्ट टू वाई प्लस डबल डेरिवेटिव ऑफ साई विथ रिस्पेक्ट टू जेड और प्लस वी साई इज इक्वल टू आई एच क्रॉस और ये डोसाई बाई डोटी, डोसाई बाई डोटी लिख सकते हैं, डोसाई बाई डोटी लिख सकते हैं। तो ये आपका थ्री डायमेंशनली हो गया, तो ये पूरे टर्म को आप जो है लाप्लासियन के रूप में लिख सकते हैं, माइनस एच क्रॉस स्क्वायर टू एम और ये डबल डेरिवेटिव के रूप में जो लिखा हुआ है इसको डेल स्क्वायर साई लिख सकते हैं लाप्लासियन जो, और इसको आप प्लस वी साई इज इक्वल टू आई एच क्रॉस डोसाई बाई डोटी के रूप में आप इसको लिख सकते हैं, ठीक है, इस तरह से। तो ये भी फॉर्मेट जो है रहा करता है, ठीक है, इस फॉर्मेट को जो, अब इसको कभी कभी इस फॉर्मेट में भी हम लोग लिखते हैं, इसको आप यदि कॉमन ले लेते हैं इस तरह का माइनस एच क्रॉस स्क्वायर बाई टू एम और ये डेल स्क्वायर और प्लस भी और साई, तो ये जो पूरा का पूरा ऑपरेटर है, ठीक है, ये आप इसको इस तरह से करके जो है जो लिखते हैं, तो ये पूरा का पूरा जो ऑपरेटर है, कौन सा ऑपरेटर, ये जो पूरा का पूरा ऑपरेटर है इसको हैमिल्टोनियन ऑपरेटर बोलते हैं, दिस ऑपरेटर इज कॉल्ड हैमिल्टोनियन ऑपरेटर, टोटल एनर्जी के बारे में जानकारी देता है इसको साइन, और इसको जो है एनर्जी ऑपरेटर, ये भी एनर्जी के बारे में टोटल एनर्जी का ही जानकारी दे रहा है, टी कैप साई करके लिख सकते हैं। तो बहुत ही ज्यादा सिंपल वे में लिखना है तो आप ऐसे श्रोडिंगर इक्वेशन को लिख सकते हैं, ये टीडीएस जो आपका ये सबसे सिंपल वे में लिखा गया एक तरह से, तो आप देख सकते हैं कैसे कैसे हम लोग करके काम किए हुए। कुछ लोग का पीछे मान लीजिए कहाँ पे साउंड जो है मिस किया था, हमको नहीं पता है, लेकिन मिस भी किया था तो उतना कम से कम इक्वेशन को संभाल सकते हैं एक तरह से, ठीक है। तो देखिए हम लोग कैसे करके आगे बढ़े, हम लोग जो इस वाले में जो बढ़े इक्वेशन नंबर टू और थ्री को पहले रिकॉल कर लिए ताकि इसे पुट करते समय आसानी हो, यहाँ पे साई लिखाएगा, दोनों तरफ साई से मल्टीप्लाई किए थे तो छूट गया, साई लिख दिए। अब जो है जो जो वैल्यू निकाले थे उसको वैल्यू को पुट कर दीजिए, इसी बीच में कहीं साउंड गायब हो गया था, तो आपका जो है इक्वेशन जो है इस फॉर्मेट में चलाएगा, दिस फेमस इक्वेशन इज नॉन एज श्रोडिंगर इक्वेशन, टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन, ठीक है। इसको आप थ्री डायमेंशनली रूप से भी लिख सकते हैं एक तरह से, ठीक है, और इसको फिर आप हैमिल्टोनियन ऑपरेटर और टोटल एनर्जी ऑपरेटर के रूप में आप उसको लिख सकते हैं, एच कैप साई इज इक्वल टू ई कैप साई, कैप जो है क्वांटम फिजिक्स में आपको पता होगा, नहीं तो पता कर लीजिए, जानकारी ले लीजिए कि इसको हम लोग ऑपरेटर के रूप में अभिव्यक्त करते हैं, जहां भी कैप लगा हुआ है इसका मतलब क्वांटम फिजिक्स में वो ऑपरेटर दिखा रहा है एक तरह से, ठीक है। तो हम लोग जो बात किए आज, हम लोग श्रोडिंगर इक्वेशन के बारे में बात किए
और डेराइव किए क्या, टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन। अगले क्लास में मिलेंगे तो हम लोग आपसे बात करेंगे टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन, टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन, ये हम लोग अगले क्लास में डेराइव करेंगे। और ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट रूप से अधिकतर यूनिवर्सिटी, चाहे किसी भी यूनिवर्सिटी में हो, आप पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी में हो, पटना यूनिवर्सिटी में हो, बीएन मंडल यूनिवर्सिटी में हो, टीएमबी यूनिवर्सिटी में हो, दिल्ली यूनिवर्सिटी में हो, मुंबई यूनिवर्सिटी में हो, बैंगलोर यूनिवर्सिटी में, किसी भी यूनिवर्सिटी भारत के अंदर में है, ये क्वेश्चन अधिकतर जो है आपको पूछता ही पूछता है, जिनमें भी क्वांटम फिजिक्स का इन्वॉल्वमेंट क्या हुआ। तो नेक्स्ट क्लास